हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास सेवेंथ का बच्चों। हम मैथ्स कर रहे हैं, चैप्टर फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स के कुछ क्वेश्चंस आज हम करेंगे। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, डायरेक्ट हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, फ्रैक्शंस आप कर चुके हैं, अब जो दशमलव है, इसमें दशमलव है, उसी के आधार पे क्वेश्चंस कर रहे हैं। काफी सारी चीजें सीख चुके हैं और हम क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो मल्टीप्लीकेशन पे कर रहे हैं। तो दशमलव संख्याओं का गुणन आपको आता है ना? दशमलव संख्याओं का गुणन हमने सीखा है, कैसे गुणा करते हैं उनको। नॉर्मल नंबर्स की तरह गुणा करते हैं, बस उसमें अलग से हमें डेसिमल का ध्यान रखना होता है एंड में आंसर लिखते वक्त कि दशमलव कहाँ लगाना है। दैट्स इट, बाकी नॉर्मली इनको गुणा करते हैं। तो बच्चों, इसके बाद हम डिवीजन करेंगे। तो दशमलव का मल्टीप्लीकेशन इसी के आधार पे क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो कि आप सॉल्व करेंगे। आपको बताना है 2.5 इंटू 0.3। ये दोनों क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व कीजिए। देखिए, अब हमारे पास दोनों ही दशमलव संख्या हैं, उनका हल करेंगे आप। जल्दी से सॉल्व कीजिए, क्या आंसर आता है बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं, इनको सिंपली गुणा करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2.5 यहाँ पे आपको दिख रहा है और 0.3। दशमलव को अभी के लिए भूल जाइए, सीधा आप 25 और 3 की गुणा करेंगे तो 25 का अगर पहाड़ा आता है तो 25 तीय 75 होता है, 75 होता है। क्लियर है? अब देख लेंगे कि दशमलव कहाँ लगाना है। तो डेसिमल के राइट साइड में कितनी डिजिट है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, दो है, तो हम दो अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.75। इसी तरह इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 517 को आप एक से मल्टीप्लाई कर लीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए, है ना। 517 को एक से गुणा करेंगे, दशमलव को भी छोड़ दीजिए, तो 517 ही आएगा। अब दशमलव के राइट साइड में कितने अंक हैं, एक और दो, तो दो अंक छोड़ के आप दशमलव लगा देंगे, ये 51.7 आ जाएगा। बस यहाँ पे ध्यान रखना है आपको डेसिमल कहाँ लगेगा, बाकी नॉर्मली होगा क्वेश्चन। आगे हम करते हैं कुछ पार्ट्स और इसके।
तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन है जो आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई करना है नॉर्मली, जैसे संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद एंड में आप देखेंगे कि डेसिमल कहाँ लगेगा। जल्दी से सॉल्व कीजिए, जो भी आपका आंसर आता है चैट के माध्यम से सेंड कर देंगे। बच्चों जितने भी आपके आंसर आए हैं, जो जो आपने सॉल्व किया है वो तब तक आप अपने आंसर सेंड कर दें, साथ की साथ आप भेज सकते हैं। देखिए हम इसको थर्ड पार्ट को अगर हल करेंगे तो क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है इसमें किसका, 316.8 का, किससे करना है 0.2 से, गुना कर देंगे नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 8 16 एक हासिल, 2 6 12 प्लस 1 13 एक हासिल, 2 1 2 प्लस 1 3 और 3 2 6 ये आ गया। अब देखेंगे दशमलव कहाँ लगेगा। दशमलव के राइट हैंड साइड में दो डिजिट दिख रही है मुझे यहाँ, तो दो डिजिट छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे, ये 63.36 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन बच्चों नोट डाउन कर लीजिए इसको, जो साथ साथ कर रहे हैं इनको साथ साथ आप नोट डाउन करते जाएं। अब 3.1 × 1.3 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 का पहाड़ा आता है तो इजीली आप कर पाएंगे, नहीं तो 3 से करना पड़ेगा पहले, फिर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 13 × 1 = 13 एक हासिल, 13 × 3 = 39 प्लस 1 = 40 ये हो गया। दशमलव के राइट साइड में दो अंक हैं इसीलिए हम लिख सकते हैं 4.01, इनको नोट डाउन कीजिए आप। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम क्या करेंगे, अगला पार्ट हम करेंगे। अब देखिए 0.5 और 0.05 का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, यहाँ पे 0.5 और 0.05 का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो बाकी सब छोड़ो, पहले 5 और 5 का गुणा करो, कितना आता है 25 आएगा। अब देखेंगे दशमलव कहाँ लगेगा, तो दशमलव के राइट हैंड साइड में कितने डिजिट हैं, एक यहाँ है और दो यहाँ है, टोटल 3 है, तो 3 अंक छोड़ के हम दशमलव लगाएंगे। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा बच्चों, हमने सिंपली मल्टीप्लाई किया है। देखिए अगर किसी को यहाँ कंफ्यूजन रह गया हो तो हमने क्या किया है, इनको गुणा किया है नॉर्मली 0.005। अब बाकी सब तो जीरो है, 5 को 5 से ही तो करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 0.05 है, तो दशमलव के राइट साइड में देखेंगे 3 अंक हैं, तो इसीलिए 3 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगा देते हैं। डायरेक्ट लिख दिया था मैंने ये, क्योंकि 5 को मल्टीप्लाई करना इजी है। इसी तरह कोई भी क्वेश्चन आप उठा लीजिए, 11.2 × 0.15 मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी दशमलव को छोड़ दो, 15 × 2 = 30 और 3 हासिल, 15 × 1 = 15 प्लस 3 = 18 एक हासिल, 15 × 1 = 15 और 1 = 16 कितने डिजिट छोड़ के दशमलव लगाना है, एक यहाँ दो यहाँ 3 डिजिट छोड़ के, कितना आ गया 1.680। अब 1.07 है, इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 107 × 2 कितना होता है, 214 होता है। देखिए सीधा आप कर सकते हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई इसको कर सकते हैं। अब देखेंगे डेसिमल कहाँ लगेगा, ठीक है दशमलव कहाँ लगेगा ये हमें चेक करना है, तो 4 अंक छोड़ के दशमलव लगेगा, 2 यहाँ के 2 यहाँ के, तो यहाँ तो 3 ही अंक है, एक जीरो भी लगा लेते हैं हम, तो ये हो गया 0.0214। अब इसी तरह नेक्स्ट वाला पार्ट भी आप करेंगे।
जो है 10.05, 1.05, इनको गुणा करेंगे। तो नॉर्मली दशमलव को अभी रहने दो, नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 5 = 25, ठीक है, 5 0 0, और फिर 5 0 0, 5 × 5, ठीक है, कितना आ गया 1005, 5 × 5 होता है ये, तो यहाँ पे 5 हम लिख देंगे, तो 5025 आ गया। अब अगला वाला जीरो है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, इसीलिए अगले वाले की जगह मैंने एक क्रॉस और लगा दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे 5001, 5251501, दशमलव कहाँ लगाना है, 4 अंक छोड़ के, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, ये हो जाएगा 10.5525। अब देखिए क्या सारे जो आंसर हैं आपके सही हैं, चेक करिए एक बारी। तो बच्चों यहाँ पे आप ये करेक्ट कर लेंगे, 13 × 13 होता है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे एक बारी दोबारा से, मैं आपको दिखाता हूँ, 13 से मल्टीप्लाई करना है तो 13 × 13 यहाँ पे होता है और एक हासिल लग जाएगी, 13 × 3 = 39 + 1 = 40, तो 403 यहाँ पे आएगा, दो डिजिट छोड़ के दशमलव लग जाएगा, ये आंसर रहेगा। अब बच्चों दो क्वेश्चंस हैं जो आप होमवर्क के लिए लिखेंगे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे हमने ये किया है, ये तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि एक से ही मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद दशमलव आपको देखना है कहाँ लगाना है, ये हो जाएगा 100.01 × 1.1, तो ये आपके बच्चों होमवर्क के लिए रहेंगे, नोट डाउन कर लीजिए इनको। हमने मल्टीप्लीकेशन का किया था अभी तक कि इनको मल्टीप्लाई किस तरह से कर सकते हैं, अब हमें डिवीजन वाले क्वेश्चन करने हैं, जो भी आपके यहाँ पे डेसिमल्स हैं उनको डिवाइड कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए यहाँ पे लिखता हूँ जो आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब जो आप करेंगे, दशमलव संख्याओं का भाग ये करेंगे, क्वेश्चन लिखिए आप, 4.2, 3.8 और 7.6 का औसत ज्ञात कीजिए। इनका औसत बताना है आपको, तो जल्दी से सॉल्व कीजिए बच्चों, औसत क्या आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, एवरेज निकालना है आपको। तो स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे इसको हम, देखिए औसत आपको निकालना है ना, तो औसत हम निकालने के लिए इन सबको ऐड कर देंगे, है ना, और कितने हैं ये दशमलव संख्या, 3 दशमलव संख्या है, तो इनको 3 से भाग कर देंगे, उसके बाद पहले इन तीनों को ऐड करेंगे फिर उसके बाद भाग कर देंगे, तो ये इसका औसत हो जाएगा। ऐड कीजिए क्या आएगा इसका आंसर, 4.2। जोड़ते वक्त मैंने आपको बताया था कि जो भी दशमलव है
उसी के नीचे दशमलव आना चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, तो यहाँ पे देखिए दशमलव के नीचे ही दशमलव आएगा। अब ऐड करेंगे तो 2 + 8 कितना हो जाएगा, 10, 10 + 6 = 16, 1 हासिल यहाँ पे लग गई, और 4 + 3 = 7 + 7 = 14 + 1 = 15, ये आ गया 15.6। कितना आ गया, 15.6 बटे 3। अब इसको भाग करेंगे, भाग कैसे करते हैं, नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो इस दशमलव को पहले हटा सकते हैं, है ना, फिर कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना आएगा, 3 × 5 = 15, 1 हासिल, 3 × 2 = 6, ठीक है, तो ये आ गया 52/10। अब वापस से इसको दशमलव में कन्वर्ट कर लीजिए, तो जीरो के नाम का एक डिजिट छोड़ के दशमलव लग जाएगा, तो 5.2 इसकी औसत होगी, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है पूछ लीजिए। एक क्वेश्चन और करेंगे स्टूडेंट्स, एक सम बहुभुज, एक सम बहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है। एक सम बहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है, फिर बहुभुज का परिणाम परिमाप 12.5 सेंटीमीटर है, तो आप लिखेंगे बहुभुज का परिमाप 12.5 सेंटीमीटर है। इस बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं, ये आपको बताना है कि इस बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं। क्वेश्चन देख लिया आपने, सिंपल सा क्वेश्चन है कि इस बहुभुज में एक बहुभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है, बहुभुज का परिमाप आपको दिया हुआ है 12.5 सेंटीमीटर, बहुभुज की भुजाएं कितनी है ये आपको बताना है। क्वेश्चन कैसे अप्रोच करेंगे, देखिए हमें नहीं पता कितनी भुजाएं हैं इसकी, ठीक है, लेकिन ये बोला गया है बहुभुज है, ठीक है, बहुभुज है, इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस a प्लस a प्लस, मुझे नहीं पता पर इसकी जितनी भी भुजाएं हैं वो समान है, सब बराबर है, तो ये कितनी बारी हमने ऐड किया हमें नहीं पता, लेकिन ऐड करके कितना आएगा, 12.5 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि जो परिमाप है वो क्या होता है, सभी भुजाओं को ऐड करके ही तो आता है परिमाप, तो सभी भुजाओं को हमने ऐड किया तो 12.5 आया। और एक चीज और पता है, जो इसकी एक भुजा है वो कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर, मतलब 2.5 सेंटीमीटर को कितने बारी जोड़ेंगे कि 12.5 सेंटीमीटर आ जाए, उतनी ही भुजा होंगी, तो ये क्वेश्चन आप एक बारी करके देखेंगे। ये है भाग का क्वेश्चन, डिवाइड, इसमें डिवाइड करना है बच्चों बेसिकली,
मैं आपको हिंट दे रहा हूं, इसमें डिवाइड करना है आपको, किसको किससे डिवाइड करना है, क्या आंसर आएगा, ये बच्चों आप होमवर्क में करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए, आज हमने डेसिमल को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डेसिमल नंबर को नंबर से, और डिवाइड करना भी हमने कुछ, डिवाइड डिवीजन के भी कुछ क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद है बच्चों आपको इंटरेस्ट आया होगा, मजा आया होगा। अब इन क्वेश्चंस को आप घर पे रिवाइज करेंगे, जो होमवर्क दिया है उसको भी पूरा करेंगे, क्योंकि अब आप सीख चुके हैं। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।